तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो इस बहुत ही सुंदर से और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है, जिसका नाम है चेन ऑफ ग्लोरी प्लांट। इसमें इस तरीके से जो है ये स्टिक टाइप की निकलती है और इसमें इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स लग जाते हैं वाइट कलर के, और ये बिल्कुल बल्ब की तरीके से लगता है, तो इसलिए इसको लाइट बल्ब प्लांट भी बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर प्लांट है, सेलोडेंड्रम फैमिली का ही प्लांट है ये। और इसका जो फ्लावरिंग सीजन है, मतलब है तो ये परमानेंट प्लांट, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो होता है स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग या फिर लेट विंटर में इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट होती है। तो हमारे यहाँ तो स्प्रिंग में ये ब्लूम करता है, और लास्ट ईयर मैं ये प्लांट अपने गार्डन में लेके आई थी, और बहुत ही जो है फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगता है ये। तो जब भी आप ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड करते हो, तो क्योंकि ये सेरोडेंड्रम फैमिली का प्लांट है, तो ये थोड़े से फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जिनको बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे और भी प्लांट्स निकल आए हैं इस पॉट में पूरे। तो ये बहुत बड़ा साइज का पॉट है, ये करीब 14 इंच का पॉट मैंने इसके लिए ले रखा है। तो 14 इंच के पॉट में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। अब ये जो प्लांट है, इसको जो है अगर लोकेशन की बात करें, तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को हाफ डे सन चाहिए होता है, जैसे आप मॉर्निंग का सन आता हो, ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर पूरे दिन धूप नहीं बनी रहे, और जो है सुबह वाली जो धूप होती है वो इसको मिल जाए ठंडी ठंडी सी, उसके बाद पूरे दिन की धूप इसको नहीं चाहिए होती है, वरना इसके जो लीव्स होते हैं वो बर्न होने लग जाते हैं। और लेकिन हाँ, धूप ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि आपको छांव में रख देना है बिल्कुल, तब आपको जो है ना ब्लूम्स अच्छे वाले नहीं देखने में मिलेंगे, बहुत कम ब्लूम्स देखने मिलेंगे। तो धूप जो है ना हर पौधे के लिए ज़रूरी होती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा हो गया है ये प्लांट जो है, मतलब बहुत हाइट ले लेता है, तो इसलिए भी इसको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। और वाटरिंग की इसकी बात करें, तो इसे हमेशा सॉइल में मॉइस्चर पसंद होता है, कभी भी कम्प्लीटली ड्राई साइड पे नहीं होनी चाहिए सॉइल, हमेशा हल्का सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए सॉइल में। और ड्राई होता है तो बहुत जल्दी से पत्ते इसके मुरझाने लग जाते हैं, तो इसलिए हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करना, तो सॉइल इसकी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है कोई ख़ास किस्म की सॉइल लेना है, नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो आपको लेना है, 30% कॉम्पोस्ट लेना है, और 30% आप जो है सैंड मिलाएंगे, और 10% आप इसमें राइस हस मिला लें, अगर हो नहीं हो तो आप सैंड की परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास राइस हस नहीं होती या उनकी एक्सेस नहीं होती, राइस हस उनके एरिया में नहीं मिल पाती है, तो आप जो है सैंड की परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सॉइल को हमेशा सॉफ्ट और वेल ड्रेन्ड रखना है, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा इसकी रूट्स। और इसे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर ज़रूर दें, क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग सीजन मैंने आपको बताया वो तो स्प्रिंग टाइम में होता है, बट ये ग्रोथ पूरे साल करता रहता है। और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट में, जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलेंगी, उतना ही आपको जो है ज़्यादा नंबर्स में सीजन आने पर फ्लावरिंग देखने मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र देना इस प्लांट को। तो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जो होता है वो आप बोन मील दे सकते हो, DAP दे सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं हो आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट दे सकते हो। इस तरीके से कोई भी स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देना बिल्कुल मस्ट होता है। और इस प्लांट में जो ये जो फ्लावरिंग हो रखी, फ्लावरिंग जो सीज़न है इसका वो तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद जब इसमें ये फ्लावर्स स्पेंड हो जाएं, तो इस प्लांट की आप प्रूनिंग कर दें, तो उससे क्या होता है ना, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। और ख़ास तौर पे स्प्रिंग सीजन होता ही ये प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो इस टाइम में आपको जो है जब इसकी फ्लावरिंग चली जाए तो आप इस प्लांट को प्रून कर दें, तो उससे क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपको नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने में मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट को आप जो है फ्लावरिंग जाने के बाद जितने भी ये स्पेंट जो इनकी स्टिक्स हैं फ्लावर्स की, उनको आप प्रून कर दें। पेस्ट का इन्फेस्टेशन की बात करो, तो इसमें मैंने कोई भी पेस्ट का अटैक अभी तक नहीं देखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दूर का व्यू दिखा रही हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स इसके स्पेंट भी हो गए। मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो मैं टाइम नहीं दे पाई थी अपने
जो ऑर्डर्स वगैरह थे प्लांट्स के उनको डिस्पैच करने में, तो बहुत सारे इसके इधर भी पूरे ब्लूम किए हुए थे, वो सब फ्लावर्स जो थे थोड़े स्पेंट हो गए। तो इस प्लांट में जो है ना इन्फेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये बहुत इसलिए भी जो है बहुत प्यारा पौधा होता है। और इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो आप इसकी जो कटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं, बट कटिंग हमेशा प्रेफर करो आप कि इस तरीके की मोटी कटिंग लें, पतली कटिंग नहीं लग पाती है, तो मोटी कटिंग जितनी आपको अच्छी मिल सकती है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको प्रोपोगेट करना, मतलब उतना ईजी नहीं होता है, इसमें समय लगता है। या फिर ये जो बेस इसका होता है जहाँ से ये स्टेम, जो मेन स्टेम आती है वहाँ से शूट्स निकलती हैं, जैसे रात की रानी वगैरह में निकलती है, तो शूट्स निकलती है, तो शूट्स को भी आप जो है वहाँ से उसको सेपरेट करके भी ग्रो कर सकते हो। जो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, बहुत सारे शूट्स निकलते हैं जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है, तो उनको भी सेपरेट करके आप ग्रो कर सकते हो। तो दो तरीके हैं इसे ग्रो करने के, और लेयरिंग भी कर सकते हो आप, एयर लेयरिंग भी कर सकते हो, बट एयर लेयरिंग जो है ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, बट एयर लेयरिंग बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी प्लांट को प्रोपोगेट करने का, और उसमें सक्सेस रेट्स अच्छे मिलते हैं। बाकी लगाने में आप इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हो स्प्रिंग टाइम में, या फिर आप बारिश के दिनों में लगा सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।